வச்சிட்டு தான் भाई आपके लिए आया कलाकंद लीजिए, आपके लिए आता है कोरोना लॉकडाउन में भी मिठाई आ जाता है दामाद के लिए। ऐसा ससुराल मिलेगा लॉकडाउन में भी जुगाड़ हो रहा है मिठाई का। Hey people, welcome back to my channel, Sonali's Life Studio. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, कोरोना से सुरक्षित होंगे, और अभी जो भी बुरी खबर कोरोना से आ रही थी वो आप सबके घर में भी अभी बंद हो गई होगी। और प्रिकॉशन आप लोग आइज 18 अबव के लोगों को अब वैक्सीन मिलना शुरू हो गया है, तो प्लीज़ आप रजिस्टर करो, स्लॉट बुक करो और अपने टाइम के हिसाब से ही बूथ में जाओ। ऐसे ही जाके वहाँ पे भीड़ मत मचाओ, बहुत से लोग जाके सुबह से वहाँ लाइन लग जा रहे हैं, तो आपका जो स्लॉट बुक होता है आप उसी स्लॉट के हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से जाओ, पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, नहीं तो वैक्सीन की ये से आपको पता चला कि कोरोना ज़्यादा फैल गया। आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ अपनी कुछ रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ बिरयानी, तो लॉकडाउन में हमारा यही चल रहा है, बस खाना बनाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम बिरयानी, तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं मशरूम बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी मशरूम बिरयानी की रेसिपी, लेट्स गो। मैं स्टीम राइस पहले बनाऊँगी, ये पानी बॉयल हो गया, मैं इसमें लौंग और बड़ी इलायची डाल दूँगी, उसके थोड़े बॉयल होने के बाद इसमें राइस। मैंने यहाँ वेजिटेबल में कुछ बीन्स लिए हैं, कैरेट लिए हैं और अनियन लिए हैं। अनियन को मैंने ऐसे स्लिट्स में काटा है, और ये मशरूम को बस दो भाग में काटना है। और यहाँ पे जो मसाले लिए हैं, गरम मसाला है, रेड चिल्ली है, हल्दी है और ज़ीरा पाउडर है और कर्ड है। इससे मैं मैरिनेट करूँगी मशरूम और सारे वेजिटेबल्स को। तो ये मैरिनेशन के लिए पूरा मसाला रेडी हो चुका है, उसको अच्छे से मिक्स करके, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हम उस पर मशरूम ऐड करेंगे, फिर मशरूम को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, पूरा उसको कोट करेंगे। ये मुझे बर्तन छोटा पड़ गया था, मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने मशरूम को और सारे वेजिटेबल्स को बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब बीन्स ऐड कर दूंगी। आप वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हो, बट ये मशरूम बिरयानी है तो मशरूम की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी वेजिटेबल की क्वांटिटी कम। राजेश का आ जाए चश्मा, सनग्लास, पावर वाला, पावर वाला, ऐसे करके इसको ऐसे करके निकाल लो और मैं ये वीडियो में डाल दूंगी। दौड़ो। यस थोड़ा फिर नहीं निकालो। ये वेजिटेबल मशरूम हो गया पूरा मैरिनेट। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी एक घंटा के लिए। पागल बनाती लोगों को, होटल से करवा के लाई है, होटल से देखो मैरिनेट करवा के लाई है और ऐसे से मिला रही है। लॉकडाउन में कौन मैरिनेट करके। मशरूम हो गया है, इसको जाऊंगी मैं फ्रीज करने के लिए एक घंटा के लिए। राइस डाल दिया है स्टीम करने के लिए, तब तक मसाले रेडी करूंगी। मसाले के लिए मैंने यहाँ दो ओनियन मतलब तीन लूंगी, एक और चीज़, तीन अनियन और अदरक लहसुन का पेस्ट जो ऑलरेडी बन के रखा हुआ फ्रिज में, और ये अनियन को स्लाइस काट लेती हूँ, स्लाइस और काटना है क्योंकि वो जब कुरकुरा प्याज भी डालते हैं उसके लिए। Thank you.
यहाँ पे मैंने कुरकुरे प्याज, जो वो थोड़ा कुरकुरा प्याज होता है, उसके लिए प्याज कर रही हूँ। फ्राई करूँगी इसको अच्छे से, पूरा गोल्डन ब्राउन करना है। और एक साइड मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जब तक मशरूम मैरिनेट हो रहा है। यहाँ पे राइस स्टीम हो गया, ये पूरी तरह से स्टीम नहीं किया मैंने, इसको हाफ स्टीम किया है। और उसके बाद फिर इसको लेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे खड़े मसाले ले लिए। खड़े मसाले में मैंने लिया लाल मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और ये काली मिर्च है, और ये हींग है। ये खड़ी मसाले डालूँगी। और कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, जो भी रेसिपी मैं बताती हूँ, आप प्लीज़ अपने घर पे उसको ट्राई करो, और मुझे कमेंट में भी बताओ कि आपको कैसा लगता है मेरा वो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैं आगे आपके लिए और अपनी रेसिपी लेकर आऊँ। और तेल गर्म हो गई, अब मैं उसमें तेजपत्ता, खड़े लाल मिर्च, ओ गॉड, और जीरा डाल दूँगी। के बाद सारे गरम मसाला, ये जब खड़े मसाले अच्छे से क्रैक्ड हो जाए, तब उसमें मैं ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च ऐड करूँगी। पहले हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो पूरी मिर्च जल जाएगी। उसके बाद अनियन ऐड करूँगी। अनियन को अच्छे से फ्राई कर लेना है हमें, कच्चा अनियन रहता है तो वो टेस्ट अच्छी नहीं आती, तो अच्छे से अनियन को फ्राई कर लीजिए। उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे प्याज भून गया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये थोड़ा भून जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी ये कटे हुए टमाटर। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को क्यूब में कट कर लिया है। और इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और बिरयानी मसाला। बाकी सारे मसाले मैंने ऑलरेडी मशरूम में मैरिनेट कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें और कुछ भी नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और साथ के साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी, ताकि ये जल्दी से हो जाए। मैंने राइस में और किसी भी चीज़ में नमक सॉल्ट मतलब यूज़ नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और इसको 2-3 मिनट तक, टमाटर को बहुत गलाऊंगी नहीं, 2-3 मिनट तक इसको पकाने के बाद इसमें बिरयानी मसाला डालूंगी। उसके बाद मशरूम जो ऑलरेडी मैंने मैरिनेट करके रखा है। अब प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी। उसके बाद ये मैरिनेट किया हुआ सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। जब तक ये पक रहा है, तब तक मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाते बनाते भूख लग जाती है। तो तब तक बिस्किट वगैरह मैं कुछ खा लेती हूँ, जब तक ये मशरूम थोड़ा पानी छोड़ेगा।
तो जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसका लेयरिंग करेंगे। सो अभी मशरूम बहुत पानी छोड़ चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा पानी छोड़ दिया। जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तब फिर हम फ्लेम बंद कर देंगे। मीन वाइल मैं रायता की तैयारी करती हूँ, बूंदी रायता। दही की शॉर्टेज हो गई है तो मैं थोड़ा पतला रायता बनाऊंगी, काम चलाओ। सो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बट अभी भी 5 मिनट पकेगा और तब तक मैं साथ के साथ मैं लेयरिंग करूँगी कुकर पे। आप पतीले पे भी कर सकते हैं लेयरिंग, एज इट इज करना है आपको लेयरिंग, जैसे पतीले पे करते हैं वैसे कुकर में। पतीले में क्या होता है कि आपको एल्युमिनियम फॉल या फिर आटे से अच्छे से कवर करना होता है, और कुकर में क्या होता है बस सीटी लगाओ और वो झंझट से बच जाते। तो मैं कुकर पे ही करूँगी। कुकर के साथ एक कांच हो गया है, गिर के टूट गया है, तो जो गार्ड लगाई हूँ रबर बैंड बांधी हूँ अभी, जब लॉकडाउन खुलेगा तब ये बनेगा। तो पहले घी से पूरा कुकर को ब्रश कर लेती हूँ मैं। सो अभी सब्जी रेडी हो गया है, तो राइस की कोटिंग कर दी हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी बिरयानी मसाला, थोड़ा ज़्यादा नहीं। धनिया पत्ता, पुदीना हो तो पुदीना भी आप कर लेना, पुदीना ही करना, पर मैं यहाँ पे धनिया पत्ता का स्प्रिंकल्स कर रही हूँ। और अब ये सब्जी आप देखो कितना यम लग रहा, मुंह में पानी आ रहा बिल्कुल भी, देख के होप सो कि अच्छा भी। ये लास्ट लेयरिंग है, इस पे आप जितने भी आपके पास धनिया पत्ता पुदीना बचे होंगे सब डाल दो। और सारे अनियंस और लास्ट में घी, घी थोड़ा ज़्यादा डालना इसे, ये मैं पूरा घी डाल दे रही हूँ। आपका अगर बॉटम मोटा नहीं है पतला है तो आप उस पे मतलब नीचे तवा भी रख सकते हो या कुछ कढ़ाई ऐसा रख के उसके बाद उसको पका। अब इसको 10 मिनट, सीटी नहीं लगाना है, 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में छोड़ देना और बन गया हमारा बिरयानी, बस मीडियम फ्लेम हो गया। तो अब ये बस 10 मिनट में ये हो जाएगा। सीटी बिल्कुल भी नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो राइस बहुत गीला हो जाएगा। ठीक है, विधान भी उठ गया, बिरयानी रेडी। वीडियो में कलर अच्छा नहीं आ रहा बट इसका कलर बहुत जबरदस्त आया है। रोहित भैया कैसा है, सही सच बोलिएगा। सही बोल रहे हैं, दिन से भी अच्छा है। किस दिन से? एक दिन खाया था ना हम लोग। अच्छा अच्छा लगा, थैंक यू बोलिए मुझे। खाने पूरा फुल दो, सबसे अच्छी यानी। भैया कैसा लगा बिरयानी? चलो हम लोग जोमेटो यहीं शुरू कर दें। कर दीजिए, ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दें। बंजारा ही सही है, उसी में को टम्बू काट के काम चालू। कैसा लगा बिरयानी? उस दिन से अच्छा है, इतना मैं बता। एक बात बताइए, आप तो बोलते हैं वो खाना बनाने नहीं आता, लेकिन जब से आप तो उतना दिन से खा रहे तो अच्छा अच्छा ही लग रहा है। खाना बनाना तो तुम मैं वीडियो क्यों बना रही हो? बार बोले यार भैया आम मंगवा दिया, ऐसा ना दामाद का सेवा होता है।
भैया इसलिए कर रहा है कि अभी भी दामाद बनने वाला है तो उसका भी सेवा होगा। ऐसी एक बार कुछ बोल, एक बार बोले तो कलकन मिठाई आम सब आ गया। तो शादी के 6 साल के बाद भी इतना सेवा कौन करता है। तुम बने पिएगा ना, हमने किसी को भी एक को मिला ना तो खिलाते रहेंगे। देखो गाइस से बोल दो आई एम गोइंग टू पर्सन व्हाट हैपेंड रिधान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू रिधान, यू डोंट वांट टू स्लिप, व्हाट यू वांट टू डू देन। इधर देख के बोलो, लुक एट हियर, टीवी देखना है। व्हाई, मुझे अच्छा लगता है। व्हाट अच्छा लगता है, कार्टून। तो अभी सो जाओ, सोकर उठना फिर देखना। सो गाइस सबको बिरयानी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और थोड़ी आ रही है नींद मुझे, तो अभी थोड़ी आधे घंटे का नैप तो लूँगी ज़रूर। और एक चीज़, ये कलाकंद खाने का चोरी पकड़ा गया, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी चिकन या मटन खाते हैं या अपने घर में चिकन मटन मसाला यूज़ कर सकते, वो जब मैं जो मसाला तैयार कर रही थी उसमें भी आप मिला लोगे, मैंने वैसे तो नहीं बनाया, ये ऑप्शनल है, तो टेस्ट और भी अच्छा आता है और भी अच्छा लगता है। मैंने ये पहले ट्राई किया है बट आज वाले में मैंने नहीं किया था, तो आप वो भी कर सकते हो और उसका टेस्ट। और आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर 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 से बनाना और मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आज शाम में समोसे का प्लान है पर देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, तो लेट्स गो एंड सी। मम्मी बना रही समोसा, सिंपल समोसा रिधान का। आलू तैयार है, समोसा बन गया, चटनी हरी धनिया की चटनी। सो गाइस समोसा खाते खाते मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना इसको। और गाइस एक चीज़ और जो मैंने शुरू में ही बोला था कि आप बूथ में पहले मत जाओ, लाइन नहीं लगो और वहाँ भीड़ मत इकट्ठा करो। और बहुत से लोगों के बीच में ये भी बात फैल गई कि वैक्सीन लेने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लाइक हमारी बिल्डिंग में जो गार्ड भैया है वो बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा, वैक्सीन लेने से डेथ हो जाता है। जो हमारे यहाँ काम वाली आती है वो भी यही बात बोल रही है। तो ऐसे लोगों को आप बताओ, रियलिटी बताओ कि ऐसा कुछ नहीं, ये बस एक अफवाह है। और अपना अपना ख्याल रखो, ठीक है। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो। चलो बाय बाय, गुड नाइट।